दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप के बारे में अब तक आपने बहुत सारी जानकारियां एक एक करके सुनी होंगी और सोशल मीडिया के माध्यम से और BDF न्यूज के माध्यम से दुर्लभ कश्यप का ऐसा कोई एंगल नहीं होगा जो आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप लोग लगातार हमें सोशल मीडिया पर, खासतौर से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, हमें मैसेज करके दुर्लभ कश्यप की पूरी कहानी सुनाने की, बताने की बात कर रहे हैं, जो कहानी लोगों को पता नहीं है अभी तक। जैसे कि दुर्लभ कश्यप जिस जगह पर मारा गया था, उस जगह के बारे में अभी भी लोगों को भ्रम है। दूसरी बात यह है कि दुर्लभ कश्यप तो मारा जा चुका है, लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप जहाँ पर कभी नहीं गया था, वहाँ पर उसके नाम की चर्चा क्यों होती है और ये क्यों कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप यहाँ पर पहले आया था। ऐसी बहुत सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बताने जा रहे हैं, जो शायद आप अगर चिराग लेकर, या फिर जिसे हम लैम्प कहते हैं, लालटेन कहते हैं, उसे लेकर आप सोशल मीडिया पर, खासतौर से YouTube पर आप खोजेंगे तो शायद आपको कहीं नहीं मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दुर्लभ कश्यप के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। अब देखिए, कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि दुर्लभ कश्यप के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको शायद यकीन ना हो कि दुर्लभ कश्यप के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आप शायद नहीं जानते होंगे अलग अलग एंगल से। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। दरअसल बात है साल 2018 के अक्टूबर महीने की। दो महीने के बाद मध्य प्रदेश में आज जैसे चुनाव हो रहा है, ऐसे चुनाव होने वाले थे। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनज़र अपराधियों की धरपकड़ में उज्जैन की पुलिस लगी हुई थी और उसी वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में कम उम्र के लड़कों का एक गैंग तहलका मचा कर रखा था और ये गैंग आए दिन शहर में बलवा कर शहर की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा था। इस गैंग का सरगना एक नाबालिग उम्र का मासूम से सूरत वाला लड़का दुर्लभ कश्यप था, जिसे पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उस वक्त गिरफ्तार किया था। उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुर्लभ कश्यप और उसके 23 साथियों की मीडिया के सामने परेड निकाली गई थी। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को काबू में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ कश्यप 18 साल का नहीं हुआ था और मीडिया वाले उसके चेहरे से भी अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक पत्रकार ने सवाल किया कि इन लड़कों में से दुर्लभ कश्यप कौन है। आप देखिए, सचिन अतुलकर बोलते हैं कि वो हाथ उठाकर अपना बताएगा। SP ने जवाब दिया, फिर पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़े लड़कों की टोली में से एक फटी शर्ट वाले लड़के ने बहुत ही अलग अंदाज में अपना हाथ उठाया। दुर्लभ कश्यप के इस अनोखे अंदाज में उठाए हाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वही वक्त था जिसके साथ दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ कश्यप ने अपने आप को गैंगस्टर साबित करने के लिए सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर बाकायदा विज्ञापन दे रखा था। दुर्लभ कश्यप के जन्म की बात करें तो 8 नवंबर 2000 को उज्जैन के जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में पैदा हुआ। वो पिता मनोज कश्यप और उनकी माता का नाम पद्मा पांड्या था, उनका इकलौता बेटा था। दुर्लभ कश्यप की माँ पद्मा पांड्या उज्जैन के क्षीरसागर स्कूल में शिक्षिका थी। दुर्लभ के पिता मुंबई में नौकरी करने के बाद इंदौर शिफ्ट हो गए थे। दुर्लभ गैंग का कुछ वक्त इंदौर में बीता। एक संभ्रांत और संपन्न परिवार के मनोज कश्यप ने बाद में अपना व्यापार शुरू किया और तब से इनका परिवार उज्जैन में आकर शिफ्ट हो गया। मनोज कश्यप और पद्मा पांड्या अपने बेटे का नाम दुर्लभ इसलिए रखे थे कि वो बड़ा होकर कुछ अलग करेगा, बिल्कुल अलग, जिससे उसका नाम हो। उनकी उम्मीद थी कि वो सबसे हटकर कुछ बड़ा काम करेगा, जिस वजह से उनके पूरे खानदान का नाम रोशन होगा। दुर्लभ पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बने। इसके लिए दुर्लभ कश्यप की मां पद्मा पांड्या ने उसे शहर के नामी स्कूल में एडमिशन कराया। एक दिन दुर्लभ कश्यप स्कूल भेजते वक्त उनकी माँ ने दुर्लभ से कहा कि बेटा, पढ़ाई अच्छे से करना, एक दिन हमारा नाम रोशन करना है तुम्हें। वो कहता है, माँ तुम मेरा नाम दुर्लभ रखा तुमने, देखना एक दिन मेरा नाम इस शहर की गली गली में गूंजेगा। दुर्लभ कश्यप की माँ ने जब जवाब सुना खुश हो गए। दुर्लभ का नाम रोशन भी हुआ, लेकिन अपराध की दुनिया में। दुर्लभ के माता पिता सब कुछ निजी समस्याओं की वजह से एक दूसरे से अलग हुए।
दुर्लभ ने भी कभी अपनी माँ के साथ जिंदगी काटी तो अपने कभी पिता के साथ रहता था। माता पिता दोनों ही उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। घर में किसी भी चीज़ की कहा जाए कोई कमी नहीं थी। दुर्लभ की हर एक ख्वाहिश माँ बाप पूरी करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाड प्यार में वो बिगड़ गया। वो सिगरेट पीने का आदी हो गया। काली शर्ट पहने हुए लड़के आँखों में काजल, माथे पर एक अलग का जैसे खड़ा टीका, कंधे पर गमछा, एक नाम दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर आप तलाशेंगे तो इस नाम के कई अकाउंट्स, पेज और ग्रुप सामने आ जाएंगे। युवाओं में दुर्लभ कश्यप खासा मशहूर हो चुका, तो अपने गैंग में अक्सर कम उम्र के लड़कों को शामिल करता था। दुर्लभ कश्यप वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन बचपन में ही जब वो बुरी संगत में पड़ा तो कुछ गैंगस्टरों की दबंगई और ठाट बाट देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। इसीलिए उसने एक अच्छी उम्र में ही बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना देख लिया और उसी रास्ते पर निकल पड़ा। आवारा किस्म के लड़के स्कूल में पढ़ते वक्त दुर्लभ कश्यप के फ़ैन बन चुके थे। वो उसे कोहिनूर के नाम से बुलाते थे। मैच 15 साल की उम्र में उसने फेसबुक पर हथियारों के साथ तस्वीरें डालनी शुरू कर दी। अपनी बदमाशी का प्रचार सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। दुर्लभ कश्यप का मकसद था कि वो अपना खुद का एक गैंग बनाएगा, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। कई नाबालिग लड़के उसके साथ उस वक्त लगातार जुड़ते चले गए। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर कैसे बना। दरअसल दुर्लभ कश्यप ने 15 साल की उम्र में 10वीं क्लास का इम्तहान दिया, लेकिन 10वीं में फेल हो गया। तो उसकी संगति आवारा किस्म के लड़कों के साथ बढ़ने लगी। जिस तरह से पोत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, ठीक उसी तरह से दुर्लभ कश्यप के तौर तरीकों ने स्कूल में पढ़ते समय ही ये साबित कर दिया था कि एक दिन वो बड़ा अपराधी बनेगा। देखते ही देखते वो उज्जैन का मशहूर हिस्ट्रीशीटर बन गया। दुर्लभ कश्यप जब 16 साल का हुआ तो पढ़ाई छोड़कर उसे गैंगस्टर बनने की एक धुन सवार हो गई। वो निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जहाँ जाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन वहाँ से वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है। दरअसल उज्जैन में कार्तिक मेले में एक ठेका उठता है पार्किंग का, और उसी ठेके से दुर्लभ के गैंगस्टर बनने की कहानी की शुरुआत होती है। दुर्लभ कश्यप के साथ एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था हेमंत बोखला, और उसी के जरिए दुर्लभ कश्यप डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के संपर्क में आया। किलोसिया को अपना कारोबार चलाना था, इसीलिए उसे लड़कों की ज़रूरत थी, और यहीं से दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। राहुल किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में एक उसका फार्म हाउस था, उसने दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों के लिए खोल दिया। गैंग के लड़के वहीं पर जाते फार्म हाउस में और शराब गांजे के नशे में डूबकर खूब मौज मस्ती किया करते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को राहुल किलोसिया के लिए अंजाम देने के लिए तैयार रहा करते। दुर्लभ कश्यप पर जनवरी 2018 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। 11-12 जनवरी की बात है 2018 की रात, दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों का सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से होता है। इस गैंगवॉर में कई लड़के घायल होते हैं। दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो यहां पर एक बार फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा जाते हैं। दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला कर दिया। 13 जनवरी 2018 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ कश्यप और उसका एक साथी था राजदीप, उस वक्त दोनों नाबालिग थे, जिसकी वजह से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेजा गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। दुर्लभ कश्यप को तस्वीरें खिंचवाने का बड़ा शौक था। वो उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर्स से अपनी फ़ोटो खिंचवाता था। दुर्लभ और उसका साथी उज्जैन के दानी गेट इलाके में उस जगह बैठा करते थे जहां पर मुर्दों का दाह संस्कार किया जाता था। दाह संस्कार करने वाले कुछ लोग काला पंछा यानी गमछा कंधे पर डालते थे, और अपने आप को वजने दिखाने के लिए इस गैंग के लोगों ने भी गमछा डालना शुरू कर दिया, और बाद में कंधों पर पंछा और खड़ा लाल टीका दुर्लभ कश्यप की यही पहचान बन गई। दुर्लभ कश्यप का जो मैंने बताया फेसबुक अकाउंट था, जिसके जरिए वो अपराध फैलाता था, दुर्लभ कश्यप उस पर हमेशा एक्टिव रहता था। वो खुद को और अपने गैंग को प्रमोट करने के लिए उसका सहारा लेता था। दुर्लभ ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने आप को बाकायदा कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी तक लिख रखा था। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस ये था कि वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करें। टीनेज में ही उसने अपराध करने का मतलब पूरा एक जो होता है सब कुछ पार कर दिया था। सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल और पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर टीनेजर और लाखों की संख्या में नहीं कह सकते, हज़ारों की संख्या में जुड़ने लगे। लोग उसे फॉलो करने लगे, लोगों को कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करता था, और इन सबको मिलाकर वारदातें करने लगा। जुर्म करने के लिए वो लगातार सोशल मीडिया का ही सहारा लेता था।
और सोशल मीडिया पर ही वो लोगों को धमकियां भी देता। उसके अपराध का मुख्य जरिया अगर कहा जाए तो सोशल मीडिया था। वो फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए आपराधिक कामों को लेकर अंजाम दिया करता था। वो हर रोज़ फेसबुक पोस्ट के जरिए, कहा जाता है, रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट, सुपारी लिया करता था। दुर्लभ कश्यप चर्चा में दरअसल उस वक्त आया जब उसने खुलेआम फेसबुक पर ये लिखना शुरू कर दिया कि वो किसी से विवाद कर सकता है, किसी के लिए उससे बस पैसे चाहिए। दुर्लभ का सबसे बड़ा हथियार वही था जो सोशल मीडिया का सहारा वो लेता था। और यही जब पोस्ट निकल कर सामने आई तो उज्जैन में अच्छे अच्छे लोग दुर्लभ कश्यप से डरने लगे और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए दहशत का माहौल वहाँ पर देखने लगा। और दुर्लभ कश्यप की आईडी से जेल में जो लोग बंद होते थे उनकी भी फोटो पोस्ट की जाती थी। तो उज्जैन में कम उम्र के लड़कों के बीच दुर्लभ कश्यप की लोकप्रियता बढ़ने लगी। धीरे धीरे 100 से ज़्यादा लड़के जुड़ गए जिनका उज्जैन में आतंक फैल चुका था। उसके नाम से चाय वाले से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक थर थर कांपते थे। इससे आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक 16 साल का लड़का किस तरह से आतंक मचा रखा था। दुर्लभ कश्यप गैंग किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करता था। गैंग का अपना स्टाइल, ड्रेस कोड बड़े वही था, बड़े बाल, टीका, जिससे कि मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते थे और इस गैंग की चर्चा होती थी। और उससे भी अलग बात ये थी कि सब उसी के जैसे, उसी के उम्र के लोग होते थे और जिसकी वजह से जो एक बार इन्हें देख लेता, एक बार इन्हें इनसे सामना हो जाता तो कभी उसे भूल नहीं पाता। दुर्लभ कश्यप 17 साल की उम्र में कहीं ना कहीं एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था और बालिग होने से पहले कहें अगर हम तो गैंगस्टरों के लिस्ट में वो शामिल हो चुका था। वो गैंग के सदस्यों से यही कहता कि भाई हफ्ता वसूली, लूटपाट जैसे अपराध करो और एक दिन हमारी गैंग जो है बड़ी गैंग बनेगी। कहीं ना कहीं आज भी उसकी गैंग के लोग हैं, उनके बारे में भी आगे बताएंगे। तो ये सब चल रहा था तभी तत्कालीन SP सचिन अतुलकर जो हैं 2018 में दुर्लभ कश्यप गैंग का पर्दाफाश करते हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा लड़कों को गिरफ्तार करते हैं। कच्ची उम्र में ही दुर्लभ के इरादे जुर्म के दुनिया का बादशाह बनना का था। उसके रहन सहन, कपड़े, ये सब जिसने देखा पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मुझे आज भी याद है जब उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप के बारे में लोगों ने जाना, बहुत सब चौंक गए थे। बिल्ली पालता था, लेकिन हर अपराध करने वाले का कहा जाता है एक न एक दिन अंजाम वही होता है, तो मारा जाता है या फिर जेल में होता है। दुर्लभ कश्यप के साथ वही हुआ। साल 2020 की बात है, लॉकडाउन के वक्त उसे गैंग वॉर में मार दिया गया। दुर्लभ कश्यप की मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी। उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर उसके नाम की बाढ़ से आ गई। खैर, हम आपको वो बात बताते हैं जो शायद किसी भी गैंगस्टर के साथ नहीं हुआ होगा। साल 2020 में दुर्लभ कश्यप का अंत तो हो गया, लेकिन उसके नाम का अंत नहीं हुआ, उसके नाम का शुरुआत हुआ। बल्कि अगर ये कहा जाए दुर्लभ कश्यप के नाम से हर जगह चर्चा होने लगे तो गलत नहीं होगा। पिछले साल की बात है, 2022 में मध्य प्रदेश के सागर शहर में एक 60 साल के शिव कुमार दुबे, 57 साल के कल्याण लोधी मंगल और मंगल अहिरवाल की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। अगले दिन सोनू वर्मा नाम के एक युवक की भी हत्या हुई। इन सब में एक बात कॉमन थी कि ये सभी चौकीदार थे और इस हत्या में एक नाम खुला 19 साल के शिवप्रसाद धुर्वे का। उसे भोपाल के कोहे फिजा इलाके के बस स्टैंड से पकड़ा गया। शिवप्रसाद धुर्वे ने जो नाम लिया उसे सुनकर पुलिस चौंक गई। उसने कहा कि वो भी दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता था। गिरफ्तारी के दौरान शिव कुमार धुर्वे पुलिस से हंसते हुए बोलता है, एक और को निपटा दिया, काम के वक्त सोने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। जितने भी चौकीदारों की हत्या की गई है ये सब काम के वक्त सो रहे थे। दूसरी कहानी देखने को मिली दुर्लभ कश्यप गैंग का एक और बदमाश चैन बोहरा और पसी के। 14 जुलाई 2022 को इंस्टाग्राम पर लाइव देखा गया। चैन ने उस वक्त साथी जो थे उसके पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी से 2 दिन पहले ही चैन और उसके एक और साथी ने इंदौर में अनिल दीक्षित नाम के एक हिस्ट्री शीटर पर गोलियां दागी थी। जिस रोज चैन इंस्टाग्राम पर लाइव आया था उसी दिन अनिल की मौत हुई थी। चैन सीके ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले इंस्टाग्राम पर ऐलान कर दिया था। पुलिस ने इन पर 30,000 रुपये का इनाम रखा। बाद में दोनों को 10 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया गया। दोनों आज जेल में हैं। तीसरी घटना देखने को मिलती है, उज्जैन से 500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर है। फरवरी 2022 की बात है। एक दिन पुलिस को शिकायत मिलती है कि शुभम नाम के एक लड़के पर हमला हुआ है। अब शुभम के पिता जो हैं मनगटे अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक किराने की दुकान चलाते थे। 6 फरवरी 2022 की रात का वक्त है। कुछ लड़कों ने मनगटे से सिगरेट देने को कहा।
मनगटे बोले कि आधी रात हो चुकी है और अब दुकान हम बंद कर रहे हैं। ये सुनकर जो सिगरेट मांग रहे लड़के थे, युवकों ने बहुत ही बुरी तरह से लोहे की रॉड और धारदार हथियार से दुकानदार के ऊपर उनके 22 साल के बेटे शुभम पर हमला कर देते हैं। शुभम पर हमला करने वाले लड़कों ने अपने आप को दुर्लभ कश्यप गैंग का भी कहा था। जानकारी इस बात की भी मिली, इस गैंग के लोग दुकानदारों से मुफ्त सामान लेते हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि दुर्लभ कश्यप अपनी ज़िंदगी में कभी भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद नहीं गया। फिर इस गैंग ने दुर्लभ कश्यप को अपने साथ कैसे जोड़ा? और चौथी घटना और सुनिए, अक्टूबर 2022 की बात है। यूपी का वाराणसी शहर सिगरा एक गाँव है, जगह है, वहाँ एक बीजेपी नेता है पशुपति सिंह। उनकी हत्या के आरोप में पुलिस ने जिन लड़कों को गिरफ्तार किया उनमें से भी ज़्यादातर लोग दुर्लभ कश्यप के फैन निकले। मुठभेड़ में गिरफ्तार 307 गैंग के सरगना राहुल सरोज के मोबाइल में दुर्लभ कश्यप पर बने कई वीडियो मिले थे। और इतना ही नहीं, राहुल के इंस्टाग्राम पर रील और फेसबुक पर वीडियो भी दुर्लभ कश्यप से हूबहू मेल खाती है। वो भी ठीक वैसे रहता था, आंखों पे काजल, कंधे पर गमछा, हल्की दाढ़ी और गले में रुद्राक्ष की माला। राहुल भी दुर्लभ के स्टाइल में ज़िंदगी जी रहा था। उसके 307 गैंग में कई सारे बदमाश ऐसे थे जो दुर्लभ कश्यप अपने आप को दिखाते थे। तो ये चार घटना है जो दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम पर इस तरह से कहते हैं कि हम तो भैया दुर्लभ कश्यप जैसे बनना है हमें, और दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर नहीं बन पाया, बड़ा गैंगस्टर नहीं बन पाया, हम बनेंगे। तो इस तरह से वारदातें वो करते थे। लेकिन सबसे आप चौंकाने वाली बात सुनेंगे, ये सभी जेल में। दुर्लभ कश्यप गैंग का जो चैन सीके था वो भी ऐसे ही गया। एक लड़की हमने देखा था उज्जैन में गिरफ्तार हुई थी 2023 में, उसने सोशल मीडिया पर रिवॉल्वर और चाकू के साथ अपने कुछ फ़ोटो और वीडियो अपलोड किए थे। उस लड़की ने दुर्लभ की तरह माथे पर टीका लगाकर और गले में गमछा डालकर कुछ फ़ोटो अपलोड किया था। उस लड़की का नाम हम आपको बताएं या ना बताएं नहीं पता, बताना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप सोशल मीडिया पर आज भी देखेंगे इंस्टाग्राम पर वो लड़की लाइव आती है, और उस लड़की का नाम मैं नहीं बताऊँगा लेकिन आप देखेंगे सोशल मीडिया पर। और दुर्लभ कश्यप की बहन भी उसे कहा जाता है कहीं ना कहीं, हालांकि अब वो बाहर है जमानत पर और फिर से एक बार रील उल बनाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दुर्लभ कश्यप तो मारा जा चुका है, गैंगस्टर बनना था उसे। उसकी गैंग के साथी हैं, कुछ सुधर गए, कुछ आज भी जेल में हैं, कुछ अपराध की दुनिया में अपराध कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे बताएं, दुर्लभ कश्यप के माता पिता के बारे में, दुर्लभ कश्यप के पिता बेचारे आज अकेले पड़ चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी रहती नहीं थी, बेटा था, कभी कभी उनसे साथ में रहता था। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है तो दुर्लभ कश्यप की माँ और बाप को। माँ भी 3 महीने बाद गुजर गई और पिता आज हैं अकेले ज़िंदगी जी रहे हैं। मौसी मौसा सभी सब लोग हैं, लेकिन तकलीफ़ अगर सबसे ज़्यादा किसी को हुई तो उनके माता पिता को हुई, और उन लोगों को भी हुई जो लोग दुर्लभ कश्यप बनने की चाहत में लोगों का शिकार हुए, जिन्हें चौकीदार जो थे बेचारे। तो ये कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों यही था कि दुर्लभ कश्यप अगर बनना है आपको तो भैया वो रास्ता छोड़ दीजिए, अच्छा रास्ता चुनिए। दुर्लभ कश्यप गैंग के जो साथी हैं, आज भी अगर मैं आपको उनकी कहानी बताना शुरू करूँगा, सीरियल वाइज में बताऊँगा कहानी सबकी, तो आप भी कहेंगे भैया दुर्लभ कश्यप नहीं बनना है मुझे, जो मैं हूँ वही बनना है, पढ़ना लिखना है। तो इस खबर पर, इस पूरी कहानी पर अपनी राय दीजिएगा, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो भी आप बता सकते हैं। नमस्कार, आपका शुक्रिया, जय।